अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी विंटर नाइट रूटीन के जब मैं अयान को स्कूल से ले आती हूँ तो उसके बाद मेरी रूटीन क्या होती है ठीक है अयान जब स्कूल से आ गया था उन्होंने जो मैंने उन बच्चों को लेकर दिए थे बाहर से स्नैक्स उन्होंने वो खा लिए थे और मैंने फिर घर आते साथ ही ने हस्बैंड को जल्दी से राइस गर्म करके दिए और ये घी है ये मैंने सुबह निकाल लिया था तो मैंने कहा चलो शाम को मैं इसको, इसको इसके बॉक्स में डाल दूंगी तो बहरहाल फिर आपको पता है सारा दिन बिजी रूटीन और फिर उसके अंदर अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो फिर इसलिए मैंने ये जब चूल्हे पे रखा फिर मुझे छोटे छोटे काम याद आते जा रहे थे और ये जो मैंने दोपहर को बनाई थी फुलकी ये ऐसे ही थी और ये कभी भी ख़राब नहीं होगी ये मैं दिन के टाइम इसके दही बल्ले बनाऊंगी क्योंकि शाम के टाइम जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो प्लीज़ काइंडली शाम के टाइम बच्चों को योगर्ट की कोई भी चीज़ बनी हुई ना दें क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं रेशा हो जाती है बच्चों को ना तो खांसी वगैरह हो जाती है तो इसलिए तो मैंने वो रख दिए और बाकी जो थे ना आलू क्योंकि मैंने उसके कटल्स बनाने थे बहरहाल वो अब नहीं बने क्योंकि तो बैर को हमने राइस खा लिए थे तो मैंने सोचा कि चलें ऐसा करते हैं मैं इसको अच्छे से मैश करके ना सुबह आलू के पराठे बनाती हूँ तो आज का जो नाइट रूटीन है ना मेरी ये बच्चों के लिए ही है ये ये मैंने व्लॉग बच्चों के नाम की है ठीक है यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आलू के पराठे और इसमें ना आज मैं प्याज चॉप करके नहीं डाल रही हूँ बस आज मैं आलू धनिया मिर्चें और साथ ही थोड़े से स्पाइसेस जो बिल्कुल ही सिंपल जैसे कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक सूखा धनिए का पाउडर ये डाल के ना मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसको रख दूंगी और इसको जब भी आप ये बनाएंगे ना मिक्सचर तो काइंडली आपने ना इसको अच्छे से ना मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक मिक्स हो जाए अगर आप इसको अभी यहाँ पर नमक मिक्स नहीं करेंगे ना तो फिर जो बैटर सुबह जब आप यूज़ करेंगे तो कहीं नमक आएगा और कहीं नहीं तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और मिक्स करने के बाद ना मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा पॉट है छोटा सा तो मैंने वो लिया क्योंकि बस दो दिन से बस मेरी नज़रों के सामने वो फिर रहा है ना तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने कहा चलें अब मैं ना इसके अंदर डालती हूँ ये मुझे छोटे छोटे पॉट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसके ना अंदर ये मैंने जो मिक्सचर था आलू का ये मैंने डाल दिया और मैंने रख दिया ये फ्रिज में अच्छा आज ना मैंने अपने साथ ये गेम की वन पॉट डे मैंने आज मनाया कि जिसके अंदर मैंने आलू बॉयल किए थे उसके अंदर मैंने मैश करके उसकी जो पराठे की फिलिंग बना ली फिर उसको दोबारा वॉश किया वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर आटा भी गूंध लिया आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत बार बल्कि ऐसे ही कर ती हूँ कि बाउल में ही मैं आटा गूंढ लेती हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है मेरी आदत है और पहले मैं जो एक थाल होता है जो एक परात होती है वो यूज़ करती थी बहरहाल मेरी छोटी सी फैमिली है इतना ज़्यादा आटा ना यूज़ नहीं होता तो यहाँ पे ना एक मैं बहुत अच्छे से कमेंट करना जवाब भी दूंगी मुझे किसी ने कहा कि आप इतना थोड़ा थोड़ा खाना बनाती हैं तो क्या आप लोगों को पूरा हो जाता है <laughs> दिए मेरा जो चैनल है ना वो है कुकिंग से रिलेटेड ज़्यादा ठीक है मैं कुकिंग यहाँ पे सिखाती हूँ तो अगर मैं यहाँ पे एक, एक किलो चिकन बनाऊंगी ना कि मेरे दो टाइम हो जाए या फिर उससे तीन टाइम हो जाए तो फिर ये है कि मैं तीन चार दिन के बाद व्लॉग बना भी बनाऊंगी क्यों क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ ऐसे नहीं होता है कि मैं डेली बना के बाहर में बांट रही हूँ नहीं आजकल बहुत ज़्यादा हालात आपको पता है कितने ज़रा सख्त हालात हैं इतनी महंगाई का दौर है तो कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरे घर में जितनी चीज़ एक टाइम में लगती है मैं उतनी ही बनाती हूँ और आप लोगों के साथ उतनी ही शेयर करती हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जितनी फैमिली आप उसके मुताबिक अपनी हर डिश बनाएं ठीक है तो मुझे उनकी बात से उनकी हंसी भी आई थी मैंने कहा चले मैं उनको रिप्लाई करूंगी कि मैं अगर ज़्यादा बनाने लगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी ठीक है जी और यहाँ पे जी मैंने घी भी गर्म कर लिया है घी भी मैंने का रही और मैंने दूध पत्ती बना लिया है क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे दूध पत्ती का एक कप दे दे तो फिर मैंने ऐसे किया मैंने कहा चले ठीक है ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए और अपने लिए दूध दूध पति बना लेती हूँ साथ ही ना मैं एग बॉयल कर लेती हूँ तो मैंने जी ये एग बॉयल किया अच्छा यहाँ पे ना ये एग बॉयल करते करते ना मुझे बड़ा ही याद आया मैंने कहा इतने दिन हो गए मैंने बच्चों के लिए ना कोई लंच बॉक्स के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी नहीं बनाई है तो क्योंकि मैंने कुछ सामान लेकर भी आई हुई थी तो मैंने बनाई नहीं तो मैंने कहा चलें आज ऐसा करती हूँ चाय पी के ना और सबको रेस्ट करने के लिए कह देती हूँ और बाकी ना मैं आती हूँ दोबारा किचन में और बच्चों के लिए स्पेशल अच्छी सी रेसिपी ट्राई करती हूँ आपको पता है कि हम ये जो सर्दियाँ होती हैं ना इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं जैसे कोई खीर खाते हैं खीर भी बस नॉर्मल खाते हैं बहरहाल गजरेले खाते हैं गाजर की खीर खाते हैं और पंजीरियाँ बन रही होती हैं मीठी दाल बन रही होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना ठीक है और जो डेट्स के जो लड्डू बन रहे होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स वाले तो बड़ी चीज़ें बनती हैं तो मैंने कहा आप लोगों को ना इन सब चीज़ों से हट के एक चीज़ ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ना आज मैं मीठे में ना खीर बना रही हूँ ना पंजीरी बना रही हूँ ना ही कोई स्पेशल हेल्दी ड्रिंक होगी बल्कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ वो भी फूल मखाने के साथ और आपको पता ही है कि फूल मखाने में कैल्शियम प्रोटीन विटामिन का ये ख़जाना है बस बच्चे मैं कहती हूँ अगर ये ये फूल मखाने भी खाते हैं ना रोस्ट करके उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं और मुझे किसी ने बताया था जैसे मेरी सास है उनके ना जैसे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी तो मुझे किसी ने बताया कि ना इसको ड्राई रोस्ट करके ना तो आप इसका पाउडर बना लो और फिर दूध में इसको मिक्स करके ना दो इंच वो बहुत बेहतर हो जाएंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे वो मैंने ऐसा किया और मेरी सास मुझे अभी भी मुझे दवाई देती हैं कि है ना बहुत अच्छा टोटका है मैं अब ये डेली कर रही हूँ तो अलहमदिल्ला तो मैं कहती हूँ कि जब ये बड़ों के लिए इतने इतना ज़्यादा फायदेमंद है तो हमारे लिए क्यों नहीं भी बच्चों के लिए क्यों नहीं है तो बच्चों को भी ना ये किसी ना किसी तरीके से बच्चों को दें तो मैंने सोचा कि चलें बनाते हैं उसके लिए मैं अच्छा मेरे घर में ना इसको कहते हैं कैंडी बॉल्स ठीक है हम इसको कैंडी बॉल्स कहते हैं या फिर कैरमल बॉल्स कहते हैं हमारे घर में ना इसका नाम ये है ठीक है इसको फूल मखाना बच्चे कोई नहीं कहते तो मैंने उसके लिए ना कोई अब दस से बारह ले लें बादाम और वन टेबल स्पून भर के ले लें तिल इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना ठीक है ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने पैन जो गर्म है उसके अंदर ही आपने डाल देनी है फूल मखाने अच्छा फूल मखाने में को ना आपने ड्राई रोस्ट करना है पहले इसको जब आप लेकर आएंगे ना आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है कभी इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आती है ठीक है और उसके बाद ना आपने इसको रोस्ट करना है रोस्ट आपने इसको पाँच से सात मिनट लाजमी करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसके अंदर जितनी भी नमी होगी मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए जब वो ख़त्म होगा ना उसके बाद जाके ये खस्ता होंगे क्रंची होंगे तो उसके बाद जब इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे और फिर बहुत ज़बरदस्त आपकी एक जब बच्चे खाएंगे ना तो क्रंच क्रंच की आवाज़ आएगी बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं ये कैंडी तो मैं यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट कर रही थी अब आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये जब बिल्कुल रोस्ट हो जाते हैं तो इसकी पहचान होती है कि ये हल्के से बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो जाएंगे और ये देखें जब आप तोड़ेंगे ना तो इसका जैसे भी ये पाउडर बनता है ठीक है आप ये समझ लें कि ये अब डन हो गए इसकी ये एक टिप है जब ये हो जाएंगे तो आपने इसको कभी भी किसी बाउल के अंदर नहीं निकालना आपने किसी भी ना जैसे बड़े थाल में तो निकाल देना ताकि अगर इसके अंदर कोई नमी बाकी रह गई है तो वो खुद ही उड़ जाएगी ठीक है और बाकी जो थे बादाम वो मैंने ना उसको ऐसे हैमर के साथ और पहले तो नाइफ के साथ मोटा मोटा चॉप किया बाद में हैमर के साथ ज़्यादा कर लिया और फिर ये देखिए और ये मैंने फूल मखाने ऐसे यहाँ पे सारे ना यहाँ पे फैला दिए ताकि इसकी जो नमी है वो सारी खत्म हो जाए अब आ जाते हैं जो गुड़ की तरफ ठीक है यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ले लिया है गुड़ ठीक है और मैंने 60 ग्राम मैंने लिए थे फूल मखाने आपने ये रेशो लाजमी याद रखना है 60 ग्राम आपने ले लेने हैं फूल मखाने इट मीन्स के दो कप ठीक है और ये जो गुड़ है वो आपने डेढ़ ग्राम वन ग्राम ले लेना है गुड़ उसके साथ इन्हें आपने ना गुड़ को हमेशा बिल्कुल बरीक बरीक करके यूज़ करना है क्योंकि अगर मोटे मोटे आप वो लेंगे ना गुड़ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा मेल्ट होने में तो मैंने ना इसके साथ ही ना वन टी पानी भी डाल दिया ताकि जल्दी से हो जाएगी मेल्ट जैसे वो मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर का पेस्ट अदरक का सॉरी पाउडर सॉरी पेस्ट कह रही जिंजर पाउडर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे ये जो जिंजर होता है ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है इसका ये ना बच्चों को मैं कहती हूँ कि सर्दी लगाने से भी बचाता है तो बड़े भी खाएं छोटे बच्चे भी खाएं बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है इस पर ना मेरी कोशिश है कि मैं वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जो मैंने पहले आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की है और बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी और काइंडली बच्चों को बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना दिया करें जैसे कि इशाल स्कूल जाती थी ना तो मैं भी बाहर से कैंडीज़ वगैरह ले लेंगी चलो बच्ची ज़रा शौक से जाएगी होता ना एक बच्चे को चलो भी एक वो किसी चीज़ का देना कि बेटा मैं आपको लंच बॉक्स में ये दूंगी ऐसी ऐसी चीज़ें दूंगी तो मेरा अब माइंड आ गया कि बस मैंने कैंडीज़ वगैरह और कुकीज़ वग़ैरह बहुत ही न खला दी हैं अब मैंने बिल्कुल भी लेकर नहीं आने ठीक है जैसे ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और देखा कि ये बिल्कुल क्रंची हो गया तो फिर ना मैंने इसके अंदर डाल दिया बिल्कुल चुटकी सी डाल दी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा और हाफ टी स्पून डाल दिया देसी घी जैसे ही आप इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करते हैं ना ये फूलने लग जाता है ठीक है इसकी झाग जब ये फ़ोमी हो जाता है ठीक है फोमी टेक्सचर इसका हो जाएगा और आप फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में जी ये देखिए मैं दोबारा भी इसको चेक किए ये देखिए जब ये बिल्कुल क्रंची होगा ना जैसे कड़क कड़क करके टूट रहा होगा तब समझे कि ये डन है और ये इसका प्रोसेस ना बहुत ही इम्पॉटेंट है अगर ये ऐसा नहीं होगा हमारा गुड़ जो मैंने मेल्ट किया है तो फिर ना ये क्या होगा कि जैसे ही आप इसको बना लेंगे और जब आप इसको एयर टाइट बॉक्स में भी रख देंगे ना तो फिर क्या होगा ये सोगी हो जाएंगे ठीक है तो कोशिश करनी है कि आपको ये जो गुड़ का जितना भी ये प्रोसेस है ना ये आपने बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से और बिल्कुल तहमल से करना है ठीक है तो उसके बाद जितने भी थे वो फूल मखाने थे मैंने इसको इसके अंदर डाल दिए इसको अच्छे से मिक्स किया मिक्स करने के बाद हाफ ड्राई फ्रूट जो था बादाम और तेल वो मैंने इसके ऊपर डाले फिर दोबारा इसको अच्छे से मिक्स किया और बाकी मैं बाद में डालूँगी और अब ना ये जैसे मैंने बना ली हैं बच्चों के लिए ना रोज़ के लिए भी लंच बॉक्स के लिए मैं कुछ और भी न्यू चीज़ें बना रही हूँ ताकि मैं जब बच्चे मेरे कैंडी मांगते हैं जैसे कि इशाल ज़्यादा मुझे करती है तो मैं उसको कैंडी के तौर पे ना ये एक बॉल दिया करूँगी और फिर वो बच्ची ज़रा चुप कर जाया करूँगी उसको पता भी मुझे कैंडी मिल गई है <laughs> क्योंकि आपको पता है बच्चों को जितना भी मना करें ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो ना थोड़े से ज़रा ज़िद्दी होते हैं जैसे कि इशू मेरी जो इशाल है वो थोड़ी सी जरा छोटी है और अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी बात मान जाती है बहरहाल मैं इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती नहीं करती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ कि उसके मुताबिक ना उसकी एज के मुताबिक मैं उसको अच्छी सी अच्छी भी चीज़ें बना के दूँ क्योंकि बच्चे जब स्कूल में लंच बॉक्स खोलते हैं तो फिर ये ना हो बच्चे फील करें कि भी देखो भी उसकी कितनी अच्छी लंच बॉक्स में चीजें और मेरी नहीं है तो मेरा ये भी माइंड होता है मैं अपने बच्चों को अलहमदल्ला डेली का बहुत अच्छा लंच बॉक्स देती हूँ और ये देखिए बाकी जो बाकी जितना भी बच गया था ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अभी से ना आपने हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको अलग कर लेना है क्योंकि ये फूल मखाने हैं अगर ये थोड़े से भी ठंडे हो गए और उसके बाद जब आप इसको अलग करेंगे तो बिल्कुल भी ये अलग नहीं होंगे बल्कि ये सारे टूट जाएंगे <laughs> ठीक है क्योंकि ये फूल मखाने हैं तो कोशिश आपने ये करनी है तो जब मैंने देखा ना कि अब मैं इसको हाथ लगा सक रही हूँ तो फिर मैंने क्या किया फिर मैंने इसको फटाफट से ना इनको मैंने सेपरेट कर दिया और ये सेपरेट हो गए और तो बच्चे सोए हुए थे वरना जैसे बच्चों को इसकी खुशबू आती ना तो फौरन भाग के मेरे इर्द गिर्द बस खड़े हो जाते हैं कि मम्मा आप कब फ्री होंगे और कब हमें देंगी ठीक है और अब मैं आप आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ आप इनकी आवाज सुने बहुत ही ज़्यादा क्रंची बहुत ही ज़्यादा ज़बरद इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं भी जब ये कर रही थी ना तो मैं एक एक खा रही थी आप ये बिलीव नहीं करेंगे बहुत ही मज़ेदार हैं बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों में तो स्पेशली हमारा माइंड होता है कि जब हम जब रात के टाइम जब हम सारे इकट्ठे बैठे होते हैं और कंबल में अपने या फिर रजाइयों में बैठे होते हैं ना तो बड़ा ही दिल करता है कि कोई मीठा हो साथ चाय का एक कप हो बड़ा ही दिल करता है ना तो बस आपने ये बनाने हैं और ये नहीं है कि आप एक हफ्ते के लिए बनाएंगे तो उसके बाद ख़राब हो जाएंगी नहीं या आप महीने के लिए भी बना के आप इसको फ्री सॉरी फ्रीज कह रही हूँ आप इसको स्टोर कर सकते हैं बहरहाल एयर टाइट बॉक्स के अंदर ठीक है जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए उसके अंदर ये एक से डेढ़ महीना बिल्कुल ईजी नहीं निकाल लेंगे आप अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाएं और बना के रख लें बहरहाल मैंने मेरी शुरू से नेचर है कि मैं बहुत कम कम चीज़ बनाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बोर ना हो जाएं इसलिए ठीक है जी और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरी आज की जो मेरी रेसिपीज़ हैं जो बच्चों से रिलेटेड जो मेरा था आज का व्लॉग वो आपको अच्छा लगेगा और इन सुबह बनाएंगे जी आलू के पराठे और वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ओके जी अल्लाह हाफिज़ कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू अच्छी सी विंटर रेसिपीज़ के साथ ओके जी बाय बाय